तीसरा सर हमारा है ये जो हमें सर कमर गुदवगन से लेके छोहन तक हमने कनेक्ट किया, यहाँ पर पता है वो जगह है 300 मीटर का 400 मीटर का पीएचई वालों ने पाइप अभी शिफ्ट वहाँ करेंगे उनको बोला है, उन्होंने हालांकि आपके डिपार्टमेंट से पैसा रिलीज किया है, वो एस्टिमेट भी वो हमने रिव्यू वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 15 दिन का टाइम मांगा उन्होंने, तो वो अगर हो जाता तो हमारा ये आप पीएचई वालों को भी बोलो अपने हिसाब से आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक नाली पूरन बोतल अपने डीडी साहब ने बता मैं पीर शहबाज डीडीसी मेंबर वेरीनाग कानाचुनसी से आज हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आज पहली बार हिस्ट्री में ये मौका आया है कि चीफ इंजीनियर साहब यहाँ गामडूरू के इस फार फ्लंग एरिया में आए हैं, एससी साहब उनके साथ हैं, हमारे सुल्तान साहब साथ हैं, इनका पूरा टीम इनके साथ है, हम शुक्रगुजार हैं पीएमजीएसवाई टीम का चीफ साहब का और गुजारिश करते हैं कि जो जो अनकनेक्टेड हैबिटेशन रही हैं जैसे कि गुजर बरादरी ज़्यादातर पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, तो गुजारिश हमने की नोगमनार सासकोरन की, वो भी चीफ साहब ने कहा कि वो हमने तैयार करवाया, इंशाल्लाह आने वाले साल में हो जाएगा, और 100 मीटर रोड की हमें प्रॉब्लम थी, यहाँ थमनकोट में एक बहुत ही प्यारा रोड बना है पीएमजीएसवाई के वजह से, वो लोग बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम पीएमजीएसवाई का, तो वो 100 मीटर का भी चीफ साहब ने यहाँ पे मौके पे ऐलान कर दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर चीफ साहब का और एससी साहब का और सुल्तान साहब का और पूरी टीम का, हम पूरा मुतमिन है पीएमजीएसवाई के काम से, मैं मेरा ब्लॉक नहीं, मैं कहता हूँ कि पूरे वैली कश्मीर में जो भी सड़कें बनी हैं वो पीएमजीएसवाई के तहत बनी हैं, हम मुतमिन हैं, हमारा पूरा आवाम चाहे एसटी हो चाहे नॉन एसटी हो हम सारे मुतमिन हैं पीएमजीएसवाई के काम से। पीएमजीएसवाई जनाब चीफ साहब, एसी साहब, एक्जन साहब, असिस्टेंट साहब, जनाब सुल्तान साहब, परवेज साहब, जनाब जो पीएमजीएसवाई के डिपार्टमेंट के फील्ड अफसर साहब गामडोरू के हैं वो जिंदाबाद। जनाब मेरी तरह से गुजारिश है तमाम लोगों को कि मैं आज की इस डेट पे कल के दिन जो हमारे चीफ साहब ने अपना कीमती वक्त निकाल के गामडोरू के इस फार फ्लंग एरिया में विजिट किया और गामडोरू के ये जो गरीब एसटी के लोग हैं इनकी बहुत पुरानी देरीनी मांग थी कि गामडोरू का जो पीएमजीएसवाई रोड है ये इल्तबा में पड़ा हुआ है तो ये आगे चलना चाहिए, बहुत टाइम से ये रुका हुआ रोड था जिसमें के कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम थी जैसे कि जंगलात की क्लियरनेस थी और भी कुछ फॉल्ट था तो उसमें गामडोरू के लोग जज्बाती हुए, उसने कुछ पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें अगर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी होगी वो मेरे फील्ड स्टाफ मुझे माफ़ करे। दूसरी बात है कि आज की डेट पे हम गामडोरू के जो ये 1450 आबादी है ये सब के सब हमारे चीफ साहब का और हमारी जो फील्ड स्टाफ पीएमजीएसवाई है इसका शुक्रिया करते हैं और हम और हमारा जो डीडीसी मेंबर पीर शाहबाज साहब है उसकी वसादत से ये टीम यहाँ पहुँचाएगी जिसमें उसने हमारा नायब तहसीलदार साहब भी बुलाया, पटवारी भी बुलाए और डिपार्टमेंट के जितने अफसरान साहब थे वो सब के साहब आए और मैं अपने जो जम्मू कश्मीर में हमारा सबसे बड़ा नाम का जो हमारा पीएमजीएसवाई का चीफ साहब है वो अपनी सब की सब टीम को लेकर इस गामडोरू के फार फ्लंग एरिया में पहुँचा और गामडोरू की इस देरिंगा